हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चारपिट मेथड्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय चारपिट्स मेथड। इसके लिए आपको ये इक्वेशंस रिमेंबर करनी है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डी एक्स अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल पी इक्वल डी वाई अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू इक्वल डी जेड अपॉन माइनस पी कर्ल एफ बाय कर्ल पी माइनस क्यू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू। दिस इज इक्वल टू डी पी अपॉन दिस इज स्मॉल पी, और पी को हम क्या लेके चलते हैं, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। हेयर जेड इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। डी पी अपॉन कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। एंड ऐसे सेम टू सेम आपके पास डी क्यू, और लास्ट में हमने एक अदर रिलेशन ले रखा है डी एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये होता है आपके पास चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए बाय चारपिट मेथड, या सिंपल गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा आपके पास एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू जीरो। मीन्स इन टर्म्स में इक्वेशन मिलेगी और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो हम इसको चारपिट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं बाय चारपिट मेथड से। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। दिस इज एक्स वाई पी क्यू एंड जेड, इनकी टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है और इसका कंप्लीट इंटीग्रल मीन्स हमें इसका सोल्यूशन निकालना है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से कर्ल एफ बाय कर्ल पी बाय चारपिट अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें सारे डेरिवेटिव्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। इन टर्म्स में हमारी इक्वेशन गिवन होगी पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं तो ये हमारा एफ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चारपिट्स मेथड का यूज़ करेंगे तो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले है कर्ल एफ बाय कर्ल पी, यानी कि एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव पार्शली डन। विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे, पी का वन हो जाएगा, यहाँ से आ गया एक्स वाई पी, यहाँ इस टर्म में भी है पी का डेरिवेटिव वन, यानी यहाँ से आ जाएगा प्लस क्यू एंड बाकी सारे जीरो हो जाएंगे बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू। विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे, ये ज़ीरो, यहाँ से आ गया पी एंड यहाँ से वाई, क्यू का डेरिवेटिव वन एंड दिस इज ज़ीरो। कर्ल एफ बाय पी कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स डेरिवेटिव करेंगे पी वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन एंड और कहीं एक्स की टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। कर्ल एफ बाय कर्ल वाई फाइंड आउट करते हैं, ये भी चाहिए हमें और विद रिस्पेक्ट टू जेड भी चाहिए। ये आ जाएगा पी एक्स एंड यहाँ से क्यू। ओके, एंड लास्ट इज कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। जेड की टर्म तीनों में नहीं है, यहाँ पे है माइनस वाई। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज़ को हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस में पुट करते हैं बाय चारपिट इक्वेशंस डी एक्स अपॉन माइनस वैल्यू पुट करेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल पी। दिस इज एक्स वाई प्लस क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू मीन्स पी प्लस वाई। डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल पी। कर्ल जेड बाय कर्ल पी यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू पी इन प्लस वाई इक्वल टू डी पी बाय कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स पी वाई एंड प्लस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड दिस इज माइनस वाई। तो ये लिख देंगे हम माइनस का, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। नेक्स्ट डी क्यू डिवाइड बाय कर्ल एफ बाय कर्ल वाई पी एक्स प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। यह आ जाएगा माइनस वाई इंटू क्यू एंड डी एफ ऑफ वाई जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे किस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी वाई से पी वाई कैंसिल हो रहा है, ओके। देन हम डी पी बाय ज़ीरो, और किसके इक्वल है, ईच फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन जो है वो इसके इक्वल है, और डी पी बाय, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो है, देन इक्वल टू लिख देंगे हम ईच फ्रैक्शन, ओके। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इम्प्लाइज दैट डी पी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ओके। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट ही कर रही हूँ मैं, इसका आ जाएगा पी इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, देन पी की वैल्यू आ गई ए, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है इन इक्वेशंस का, हम पीछे भी मेथड चेंज हो जाएंगे, सोल्यूशन वही लेके चलेंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब हमें पी की वैल्यू तो मिल गई है, अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू उठाएंगे और जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसमें पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए एंड इसको ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सेकेंड में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट इन फर्स्ट, देन यहाँ पे पुट करेंगे हम ए एक्स वाई, यहाँ लिख देती हूँ ए एक्स वाई प्लस ए इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। क्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, देन यहाँ से आ जाएगा, इसके बाद ये स्टेप करना है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए प्लस वाई इंटू क्यू एंड इक्वल टू, इधर जाएगा ये प्लस का एंड ये माइनस, वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, एंड इससे डिवाइड कर देंगे, देन क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्यू इज इक्वल टू वाई जेड, वाई भी कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ए प्लस वाई, ओके। ये आ जाएगी क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू मिल गई हमें, क्यू की वैल्यू मिल गई है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू रखिए, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू ए डी एक्स माइनस क्यू इज वाई इंटू जेड माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ए प्लस वाई इंटू डी वाई। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्यूशन निकालना है, डी जेड इंटू ए डी एक्स, और ये जो जेड और ए का नंबर जो टर्म है इसको आप इधर ले आइए, ये आ जाएगा डिवाइड में जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ से करते हैं हम माइनस वाई अपॉन ए प्लस वाई इंटू डी वाई। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखेंगे हम इसमें ए ऐड कर लेते हैं और a माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस वाई इज अ वन एंड माइनस, अब इस माइनस को भी मैं अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a अपॉन a प्लस वाई इंटू और ये माइनस का वन अंदर शिफ्ट हो जाएगा d पर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, प्लस एनी कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए इसको टी पुट करते हैं, टी पुट करते ही ये हमारा डेरिवेटिव है, जेड का डी जेड माइनस ए इंटू एक्स का डी एक्स, देन इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस वन का डेरिवेटिव वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, प्लस ये आ जाएगा ए तो कॉन्स्टेंट हो गया, ए प्लस वाई का हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट बी, ठीक है। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन माइनस में हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, ये प्लस का चल रहा है, ये प्लस, यहाँ पे भी प्लस, गड़बड़ हो गई है तो प्लस ओपन करेंगे, जेड माइनस ए एक्स ये इधर आ गया, माइनस किया, ये रहेगा प्लस का एंड ये रहेगा माइनस, ओके, ये प्लस एंड दिस माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ जेड माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू log of a plus y equal to y plus b. दिस इज़ द कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर कम्प्लीट इंटीग्रल या कम्प्लीट सोल्यूशन पूछ लिया जाता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, और अगर सिंगुलर सोल्यूशन पूछा जाता है तो यहाँ से जो कांस्टेंट आए हैं ए एंड बी, जो हमने कांस्टेंट्स लिए हैं, इनको हमें रिमूव करना होता है. जो सोल्यूशन आता है उसको बोलेंगे सिंगुलर सोल्यूशन. क्वेश्चन सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, एंड इसका जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है. देन ये जो इक्वेशन है यहाँ मैं माइनस लिख लेती हूँ, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इस टर्म में है एंड इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ये गिवन है हमें. फिर से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल पी. कर्ल एफ बाय कर्ल पी करिए, यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी. देन यहाँ से आ जाएगा एक्स एंड माइनस क्यू. ओके, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू वाई माइनस पी. विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू की दो टर्म है हमारे पास. नेक्स्ट इज कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स चाहिए. कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स पी का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा वन, पी रिमेनिंग फैक्टर और कहीं भी एक्स नहीं है. कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, वाई की एक ही टर्म है, y का वन, q बच जाएगा. एंड कर्ल f बाय कर्ल z, z की कोई टर्म है ही नहीं, इक्वल टू जीरो आ जाएगा. ठीक है, z को तो सबका जीरो हो जाएगा बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू z. नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम पुट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में. लेके चलते हैं यहाँ से बाय चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस. हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशंस निकालेंगे चारपिट्स. रखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल पी, यहाँ से निकाल चुके हम. दिस इज एक्स माइनस क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू. दिस इज वाई माइनस पी इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी कर्ल एफ बाय कर्ल पी, एक्स माइनस क्यू एंड माइनस ऑफ क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू. देन ये आ जाएगा y माइनस पी इक्वल टू डी पी डिवाइड बाय कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स. कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स हमने निकाल रखा है p, एंड p इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड इज़ ज़ीरो. तो यहाँ से आ जाएगा डी पी बाय पी, ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म. एंड सेम टू सेम डी क्यू डिवाइड बाय कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, एंड कर्ल एफ बाय कर्ल जेड हमारा ज़ीरो आंसर यहाँ से वैल्यू निकाल रखी है और ये आ जाएगा वाई क्यू. इसको चाहे लिखो चाहे, ये अदर रिलेशन होता है, चाहे आप इसको लिखो भी नहीं, इतना ले सकते हो. ठीक है, देन फ्रॉम हमें चाहिए p की वैल्यू. यहाँ से जैसे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, अगर जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अगर डिनोमिनेटर जीरो आता है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, p की आ जाए या q की आ जाए, किसी की भी आ सकती है यहाँ से. तो यहाँ से हम ले लेते हैं टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन डी पी बाय पी इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू. यहाँ से मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ प्लस एनी कॉन्स्टेंट. दिस इज़ लॉग ऑफ पी इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू, इसको भी लॉगरिथम में ले लेते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए. देन लॉग क्यू प्लस लॉग ए, लॉग ए प्लस लॉग बी. डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ लॉग ए इंटू बी, यानी क्यू इंटू ए. लॉगरिथम कैंसिल कर सकते हैं ई बेस लेके, तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ से क्यू इंटू ए. ओके, इसके बाद हमें क्यू की वैल्यू चाहिए. ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है जो गिवन इक्वेशन थी जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके यहाँ से इसको जो पुट कीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, देन वी गेट पी एक्स, पी की प्लेस पे पुट कर रहे हैं हम क्यू, क्यू ए इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई माइनस पी इंटू क्यू ऑलरेडी है और एक यहाँ से रखेंगे हम तो क्यू स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. एक क्यू कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन आके वो ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे. देन हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू ए इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यू ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई और ए से डिवाइड कर दीजिए दिस, देन ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन होता है हमारे पास डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। इसमें पुट करते हैं हम पी एंड क्यू की वैल्यू। नाउ वैल्यूज रखिए यहाँ से, डी जेड इक्वल टू, सोल्यूशन हमने ये लिया है, सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट या फॉर कंप्लीट इंटीग्रल, ये लेके चलेंगे। देन डी जेड इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स, पी की वैल्यू अभी हमने निकाली क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू हमने निकाली है ए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए इंटू वाई डी वाई, डी वाई यहाँ से देखेंगे डी ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, तो क्यू ए यानी कि अगर मैं ए को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ तो क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस वाई। तो यहीं से हम इसको सॉल्व करके, क्योंकि हमें क्यू और पी लेना ही नहीं है, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे ए एक्स प्लस वाई, समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे क्यू आया था तो क्यू ए की वैल्यू निकाल लेंगे ए एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से एक्स वाई की टर्म आ जाती है, इंटीग्रेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए एक्स या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे अगर हम इसको, या ए एलसीएम ले भी सकते हैं बाद में ले लेंगे। देखिए टेकिंग एलसीएम, ए एलसीएम ले लेते हैं, ए डी जेड इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई डी वाई। ओके, ए एलसीएम ले लेते हैं, ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई इसके पास भी है इसके पास भी है, कॉमन ले लेते हैं। एंड ए एलसीएम लोगे तो ए एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा डी वाई। दोनों स्टेप मैंने इकट्ठा कर दिए, ए एलसीएम लिया है और ए एक्स प्लस वाई को राइट हैंड साइड पे कॉमन ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे प्लस आ जाएगा एनी कॉन्स्टेंट बी, ये आ जाएगा ए इंटू जेड, डी जेड का इंटीग्रेशन। देन यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको टी पुट करती हूँ तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है ए डी एक्स प्लस डी वाई, देन इसका डेरिवेटिव इसके साथ ही है तो क्या रखते हैं हम, इसका स्क्वायर बाय टू हो जाता है, स्क्वायर बाय टू प्लस एनी कॉन्स्टेंट। देन टू ए जेड इज इक्वल टू, ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चलो इतना ही ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ली थी, सेकेंड वाली जो ये होती है चारपिट्स वाली, थर्ड ले लेते हैं इसको, ये निकला आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए कैसे करना है, और सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो जो कांस्टेंट हमने लिए हैं ए और बी, इनको हमें रिमूव करना होता है, तो पहले निकालते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप फोर्थ ले लीजिए, ये क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं, ये क्वेश्चन फोर्थ ले लेते हैं। जो यहाँ पे हमने जो ए और बी कांस्टेंट ले रखे हैं, बी कांस्टेंट को हम ए की टर्म में ले लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए, ने ए की टर्म में बी कांस्टेंट को ले लिया। देन यहाँ से आ जाएगा आप ए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस बी की वैल्यू रख देंगे हम फाइव ऑफ ए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए, देन ए इंटू, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, यहाँ से जेड आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे देन टू पावर आगे आ जाएगी ax प्लस वाई पावर वन बचेगी यहाँ से डिवाइड बाय टू एंड बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू एक्स आ जाएगा, a का वन वाई का ज़ीरो प्लस फाइव डैश ए, टू से टू कैंसिल। देन दिस इक्वेशन इज, ये ले लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन। देन अगर हम थर्ड में से और फोर्थ में से ए को इलिमिनेट कर लेते हैं एंड इस रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं देन हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय eliminating a from third and fourth equation, ठीक है। अब बच्चे हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन सबके लिए मेथड सेम रहेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन अगर हमें चेक करना है तो यहाँ से जो हमने जो कंप्लीट इंटीग्रल निकाला है यहाँ से हमें a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है। देन हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट फोर्थ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। एक बार हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू ए करते हैं, देन यहाँ से जेड इक्वल टू अभी हमने किया है ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एंड इसका डेरिवेटिव ज़ीरो बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन अब सेकेंड इक्वेशन आएगी जब हम बी विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव करेंगे। देन यहाँ से देखिए इसका आ जाएगा ज़ीरो, विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो ये जीरो बिकॉज इसमें कोई बी की टर्म नहीं है एंड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वन। देन जीरो इक्वल टू वन, ये कंडीशन देखिए यहाँ से जीरो इक्वल टू वन विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जीरो इक्वल के वन हो ही नहीं सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। देन दिस इक्वेशन या फिर इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ले रखी है, इक्वेशन फर्स्ट हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन, इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास मेथड सब में सेम रहेगा, कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। डी जेड इक्वल टू ये वैल्यू पुट करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे बाय चार्पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से। पी क्यू की वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें पुट करेंगे सोल्यूशन में डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। यहाँ तक जब हम सॉल्व करते हैं ये आता है कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन अगर पूछा जाता है तो कंप्लीट इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स डेरिवेटिव करना होता है। विद रिस्पेक्ट टू ए जैसे हमने कॉन्स्टेंट लिए ए और बी, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव करोगे, विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव करोगे। अब यहाँ से ऐसी कंडीशन आ गई है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि जीरो इक्वल टू वन जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मानो कि ये कंडीशन नहीं आती, अब जो कोई दूसरा क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, उन ए और बी की वैल्यूज़ को आपको फोर्थ इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट करना है। देन जो रिलेशन आएगा जेड एक्स एंड वाई में विच इज़ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट चार्पिट्स मेथड इस पर बेस्ड है तो आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। मेथड सब क्वेश्चंस का सेम रहेगा, इसके चार्पिट्स जो मेथड के क्वेश्चंस ट्राई करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।